बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे प्यारे बहन भाई साहब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुशबाश रखे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने यूट्यूब पर नसरुल्लाह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो का करते हैं आगाज़। आज हम गाँव आए हुए थे तो यहाँ मिल फिर के बड़ा मज़ा आया, खेत देखे, सारा कुछ देखा, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हुए क्योंकि बच्चे गाँव में आके बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो इसी के साथ अब हम घर वापसी जाने की तैयारी कर ली है, तो अब हम घर चलते हैं। मुर्गा पकड़ रहे हैं टोकरे में। अच्छा, अभी मुर्गा पकड़ लिया है, ठहर जा मैं पाड़ दूं। टोकरे से मुर्गा पकड़ना मुश्किल हो गया। हिबा ने पूंछ पकड़ी हुई है। लेके जाना। अब मुर्गे को ज़िबा करवाएंगे अब्बू से, फिर घर लेकर जाएंगे। अम्मी ने कहा है कि आप वो ब्लैलर भी मना, सभी गोश्त मना की हैं, तो आप एक देसी मुर्गा ज़िबा करवाएं और अपने घर ले जाना है, तो अगर इधर खाना है तो इधर खा लें। मैंने कहा नहीं, हम अपने घर जा रहे हैं, उधर जाके हम इसका ना काली मिर्च वाला सालन बना के शोरबा सा उसमें रोटी चूर के खाएंगे। तो चलें अब अबू और आप ज़िबा कर लें, फिर चलते हैं जी। अब हम इसके छोटे छोटे पीस मुर्गे के करवा रहे हैं। ये हमने गोश्त बना लिया, अब हम लेके जाएंगे इसको घर। ये असल देसी मुर्गा है, इसकी नानी कह रही है कि हमारा बेटा खाएगा ये घर जाके। असी हुण वापस घर जाते पे हैं, साड़ी तैयारी हो गई है, मोटरसाइकिल ते आदन ते मार बैठे है, ते हुण हाँ तुसी भी बैठ जाओ ते फिर चलिए। बस हुण साड़ी घर दी तैयारी हो गई है, घर जाके इंशाल्लाह पहुँच के फिर जिहड़ा भी सीन होया सी अपने भैन भरावां नाल शेयर करांगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उस गाँव से हम देसी मुर्गा लेके आए थे, उसका मैं अब सालन बनाती हूँ। अच्छे से मैंने वॉश करके रख लिया, लहसुन भी मैंने छील लिया, प्याज टमाटर हरी मिर्चें सारी चीज़ें मैंने अच्छे से धोकर रख ली हैं। अब प्याज काटती हूँ तो फिर सालन बनाना शुरू करते हैं। तो चीज़ें मैंने सारी तैयार करके रख ली हैं, चूल्हे पे देगची भी मैंने रख ली है, उसमें ऑयल भी डाल लिया। तो अब मैं सालन बनाना करती हूँ शुरू। सबसे पहले तो चूल्हे में आग जलाऊँगी। आग मैंने जला दी है, ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें डालूंगी प्याज। ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें मैं प्याज डालती हूँ। अब इसमें लहसुन डालती हूँ। अब इसमें टमाटर मिर्ची भी डाल दूंगी। करेंगे मिक्स, कर देंगे कवर। सही, तो टमाटर अच्छे से नरम हो चुके हैं, अब इसमें डालते हैं सूखे मसाले, काली मिर्च है, नमक और हल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि लाल मिर्च में नहीं डालती अब सालन में, करते हैं मिक्स। दो तीन मिनट तक इसकी करेंगे बुनाई, दो तीन मिनट तक इसकी बुनाई करेंगे,
फिर इसमें जो हमने देसी मुर्गे का गोश्त है मेरे पास वो डाल दिया। अभी तो आप चिकन डालते हैं देसी मुर्गे का गोश्त, इसकी करते हैं बुनाई अच्छे से। अब करते हैं मिक्स, अब इसको अच्छे से भून लेंगे, फिर इसमें पानी डाल देंगे। इसमें डालेंगे कुछ साबुत मसाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, करेंगे मिक्स। अगर काली मिर्च इसमें डालिएगा इसका इसी तरह का कलर होगा। सुरख मिर्च के साथ कलर बहुत अच्छा आ जाता है, लेकिन मजबूरी है, सुरख मिर्च नहीं मैं डालेंगी, काली मिर्च और नमक और हरी मिर्च के साथ सैलड बनाऊंगी। बड़ा ज़बरदस्त लगता है भैया, आज तक देसी मुर्गा बड़ी देर बाद खाने लगे हैं देसी मुर्गा। अच्छा अच्छी जी, आज देसी मुर्गा बनाया हुआ ये हूँ भुन गया, हूँ पानी पाने लगे। हाँ जी चिकन भुन लिया तो पानी थोड़ा जहा पा देने, शोरबा बना लेंगे क्योंकि मैं रोटी चूर के खा ली, मैंने देसी मुर्गे तो हमारा भी शोरबा ही है। चलो हम कवर कर देने हैं, थे चलो करो फिर कवर। अच्छा भी आप कुटा हुआ जीरा मसाला डालते हैं और थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया, मसाले मैंने डाल दिए तो आप इसमें डाल देंगे धनिया। सालन हमारा बन गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारा देसी मुर्गा का शोर वाला देसी मुर्गा हमने बना लिया। अब चूल्हा बंद कर देंगे तो रोटियां बनाते हैं। ये देसी मुर्गे का शोरबा, यम्मी यम्मी शोरबा। चलो मैं डालती हूँ प्लेटों में, आप बैठ के खाएं। जी अब हम बैठ के खाना खाएंगे, तो बहुत ही आज ज़बरदस्त डिश है और देसी मुर्गा, और इसी के साथ आज हम खाना खाएंगे। मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। गरम 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 चल।
इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।